देख रहे पब्लिक लाइव और मैं हूँ उज्जैन से एम एस सूर्यवंशी। हम लोग आए हुए हैं आज वार्ड क्रमांक 7 में। आइए सांसद जी से जानते हैं, जो प्रचार में है तो इनसे बताना क्या क्या बताना चाहेंगे। उसका लाभ पार्टी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बड़ा अच्छा आधार है, लेकिन परिवारवाद के कारण निश्चित रूप से जो लड़ाई धमका करके इस तरह पैसे वाले लोगों को पिछली बार जो लोग जीत गए, बार बार एक ही परिवार के लोग खड़े हो रहे हैं और उस परिवार के खिलाफ इस बार वातावरण है। विजय सिंह को एक अच्छा समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विकास के दृष्टिकोण को इस क्षेत्र की जनता समर्थन देगी और हम बड़े अंतर से इस वार्ड को साथ की। पार्षद जी से बात करते हैं, सर आप पार्षद पद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज जीतते हैं तो वार्ड वासियों के लिए क्या क्या खाली कर पाएंगे? नगर की प्राथमिकता होगी पटेल नगर, महेश नगर, श्रीराम कॉलोनी, अर्गा नगर, दुर्गा कॉलोनी, यहाँ पे सबसे पानी भराव की स्थिति बन जाती है। अगर पानी गिरता है तो पानी भरा जाता है, यहाँ की नालियों की व्यवस्था सारी बहुत हो चुकी है, इसमें सीवरेज का और नाली का विशेष ध्यान रखे उसका उन्नता क्या है। महेश नगर का जो बगीचा था उसको पूर्व जो पार्षद हुई उनने बिल्कुल खत्म कर दिया। हमने एक हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा टंकी बनाई गई थी जिसका प्रचार कर रहे हैं कि टंकी उनने बनाई, जबकि वो टंकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत थी और उसका वो टंकी स्वीकृत थी पटेल नगर के लिए, गणेश टेकरी बनानी थी। आज भी उस टंकी पर वहाँ पर लिखा हुआ है पटेल नगर टंकी, जबकि उनने लड़ झगड़ के और वहाँ की जनता नहीं चाहती तो भी महेश नगर बनाई और गार्डन को बगीचा को पूरा खत्म कर दिया। अब हमारी प्राथमिकता की एक तो महेश नगर में अच्छा एक बगीचा डेवलप करें, एक मंदिर बनाएं, इंडिया हमारी पूरी प्राथमिकता की और जा रही है पानी भराने की समस्या इसको दूर करना है। पटेल नगर हो, महेश नगर हो, दुर्गा कॉलोनी हो, मिली प्राथमिकता की सभी आशीर्वाद दाता मतदाताओं को सुविधाओं का लाभ। बनी बस मिलकर साथ निभा।